पटना के पत्रकार नगर थाने के मुन्ना चक योगीपुर नहर इलाके में सोमवार की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने पटना में करीब 15 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय कुख्यात भोला राय उर्फ अरविंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भोला उसी इलाके में छिपकर रह रहा था और भूमि को कब्जा करने में अहम भूमिका निभा रहा था। इसका नाम साल 2009 में कुर्जी इलाके में हुए उत्तरी मैनपुरा पंचायत के दबंग पूर्व मुखिया रंजीत सिंह और साल 2018 में गर्दनीबाग इलाके के वार्ड पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर अमरावती देवी के पति दीना गोप की हत्या में आया था। भोला राय ने बालू खनन और जमीनी विवाद को लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर 10 लाख रुपए लेने के बाद रंजीत सिंह की हत्या कर दी थी। साथ ही दीना गोप की हत्या भी बेउड़ के हरनीचक इलाके में 25 कट्ठे जमीन के विवाद में विकास सिंह के साथ मिलकर की थी। दीना गोप की हत्या में AK-47 राइफल का प्रयोग हुआ था जिसे पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। रंजीत सिंह हत्याकांड में भोला राय को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा भोला राय का नाम बेउर इलाके में टुनटुन राय पर फायरिंग करने के मामले में भी सामने आया था। पुलिस ने इसे जगनपुरा इलाके से गिरफ्तार किया था और जेल भी भेजा था। सूत्रों के अनुसार भोला राय 2 साल पहले जमानत पर छूटा और इसने जगनपुरा मुन्नाचक दियारा इलाका और फतुहा में अपना ठिकाना बना रखा था। यह मूल रूप से परसा के सोताचक का रहने वाला है। SSP राजीव मिश्रा ने बताया है कि इसके खिलाफ परसा बाजार, मसौड़ी, पाटलिपुत्र, पुत्था कॉलोनी, कंकरबाग, बेउड़, कदम कुआं और गर्दनीबाग थाने में कई मामले दर्ज थे। घटनास्थल के आसपास का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है और अपराधियों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि भोला राय ने हाल ही के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा बंद कर दिया था और भूमि से जुड़े धंधे को करने लगा। विवादित भूमि को कब्जा करना उसका पहले से काम रहा है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में एक जमीन के विवाद को लेकर कुछ लोगों से उसका मनमुटाव हुआ और इसकी हत्या उसी का परिणाम बताया जा रहा है। ये मुन्नाचक योगीपुर इलाके में भूमिगत रूप से रह रहा था, हालांकि इसका एक और ठिकाना जगनपुरा इलाके में था। सूत्रों के अनुसार भोला सोमवार को पहले फतुहा गया और फिर मुन्नाचक पहुंचा। इसके बाद वे बाइक से ही जगनपुरा जाने के लिए निकला था और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पहले उसे पीठ में गोली मारी और फिर जब वो बाइक लेकर नीचे गिर पड़ा तो उसके सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके ठिकानों की जानकारी केवल ग्रुप के सदस्यों को ही थी। वे शाम में इस इलाके में पहुंचा जिसकी जानकारी उसके करीबियों को थी, लेकिन पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस तरह से ये घटना हुई उससे यह स्पष्ट होता है कि इसके ही ग्रुप के लोगों ने आपसी रंजिश में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। सूत्रों का कहना है कि उसे 2 गोली लगी और वो खून से लथपथ होकर गिर गया। उसके साथ 2-3 लोग और थे जो अलग अलग बाइक से थे, लेकिन घटना के बाद वे लोग वहां से निकल गए। घटना की जानकारी मिलने पर पत्रकार नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए ओल्ड बाईपास पर स्थित राजेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कुछ ही देर में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शरीर से काफी खून गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।